Sri Manjit Singh Bitta and let him talk about what he feels and what is the agenda of the day. Thank you. मैं आज अक्षय कुमार जी और शाह साहब सोनाली जी उपाध्याय जी मैं खुद इनके पास आया और जब मूवी मैंने देखी तो शायद बम्बों और गोलियों से मैं कभी आंखों में मेरे आंसू नहीं आए. मेरे शरीर में पूरा लोहा भरा हुआ है, लोहे की प्लेट. मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं आए, दर्द से कभी आंसू नहीं आए. पर उस दिन जो अक्षय कुमार जी का, सोनाली जी का जो रोल देखा, जो सबने मेहनत की, मैं अपने आंखों में आंसुओं को रोक नहीं पाया. मुझे कम से कम जिंदगी के 35 साल हो गए टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हुए, बम, गोलियां, बुलेट, हॉस्पिटल, ऑपरेशन. पर मैंने जो ये देखा कि मैं चीफ मिनिस्टर भी बन सकता था, होम मिनिस्टर भी बन सकता, मैं सब कुछ छोड़ दिया. मैंने कहा नहीं, जरूरी नहीं. जो अक्षय कुमार जी का एक रोल रहा कि शायद मैं एक फौज से जब वापस आऊंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा, जैसे उन्होंने बॉम्बे के 26/11 के शहीदों का, करकरे जी का, सबका जो जिक्र किया, कि जरूरी नहीं है कि हम फौज में जिम्मेदारी पे हैं तो तभी हमें जिम्मेदारी को निभानी, अगर हम छुट्टी पे हैं तो उस जिम्मेदारी को निभाना है. और ये हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया के अंदर ये सबको बताया गया, जिस जिस कंट्री में टेररिज्म है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो अमेरिका में है, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि अगर सामने को देश के ऊपर मुसीबत है तो उसके लिए हमें सामने खड़े होना है. और मैं ये समझूंगा कि इस मूवी को देख करके जरूर एक नई जागृति, नई अवेयरनेस पैदा होगी. आज ही मैं सुबह एयरपोर्ट में मैं न्यूज़ सुन रहा था नरेंद्र मोदी जी की, आज पहला एक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा है, नहीं तो हमें संघर्ष करना पड़ता था. उन्होंने ये आज कह दिया जो हम चाहते थे कि उनको मिलके कहें कि हिंदुस्तान के अंदर हर जवान CRPF, पंजाब पुलिस, बॉम्बे पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, फौज, जो भी जवान आज तक शहीद हुए उनके परिवार को, हर परिवार को नौकरी होगी, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन होगी. ये एक जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है. तो उसके साथ ये जो मूवी का एक ऐसे टाइम के ऊपर इस मूवी का लोगों के सामने आना, तो मैं समझूंगा एक सोने पे सुहागा है और एक और ये मजबूत स्थिति जो है हमारी इसमें पैदा होगी. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं. कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं, मैं उसके लिए हाजिर हूं. द बैक बेंच. गुड आफ्टरनून. लाइक मिस्टर बिट्टा सेड दैट ही हैज रिटन अ लेटर टू मोदी. आई मीन probably earlier he did send about letters in regards to terrorism and all those things. I would request you that I heard you say that at comedy at Kapil, I mean Kapil's comedy nights, that you needed everybody in one single person from every house to get into either into an army or into an anti-terrorist activity. Why don't you write a letter across to Mr. Modi and let Mr. Bitta run that organization and you be the brand ambassador and make a group which where every family who has an 18-year-old son should get into this sort of an activity and probably we could make a safer place in India. Well, I've been doing this since last 5 years. It's not only I've started saying it because my movie is about to release. I've been saying this since last 5 years that it should be important for every school to have 4 years or 5 years of self-defense programming as a subject in a school. And I've told not only everyone but also Mr. Narendra Modi, our Prime Minister. Before he was the Prime Minister, I've spoken to him and he has assured me that he is going to look in this matter and he's going to try and do everything possible, because it is very essential for all the youth, all the children who are learning in school to be disciplined. I think it is important and it's a very good thing you picked up. And thank you very much so that I could answer this. Thank you.